अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2022 का फाइनल मुकाबला इंग्लैंड की टीम मैच जीतने में कामयाब हो चुकी है, लेकिन पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने लाखों करोड़ों जो है वो शायकीन के दिल जीत लिए हैं। जी हां दोस्तों, जिस तरह की बॉलिंग का मुजाहरा किया पाकिस्तान की टीम ने, दुनिया क्रिकेट में जो है वो हलचल सी मची हुई है कि ऐसी बॉलिंग आज तक जो है वो नहीं देखी। पहले नसीम शाह की ये गेंद देखें कि जिस तरह से उन्होंने जोस बटलर जो कि बड़े ही जारहाना किस्म के बैट्समैन हैं उनके खिलाफ गेंद की हैं, और बेन स्टोक को जिस तरह की मोमेंट के ऊपर उन्होंने आउटस्टैंडिंग तरह से बीट किया है, मैं कहता हूं कि ये नाकाबिले यकीन है। और ये भी नाकाबिले यकीन है, दुनिया हैरान है कि आखिर इतनी बालों के ऊपर एक भी एज नहीं लगा। ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है, वरना पाकिस्तान की टीम वहाँ से ही जो है ये विकटें उड़ा के इनको मैच में काबू कर लेती। दोस्तों इसके बाद जो दूसरा लम्हा था वो ये था कि 30 गेंदों के ऊपर 42 रन चाहिए थे, तो वहाँ पे एक नॉर्मल सा कैच पकड़ा शाहीन शाह आफरीदी ने, लेकिन वो पहले से भी घुटने की इंजरी के शिकार थे, तो दोबारा से उनको इंजरी हो गई है और पाकिस्तान की टीम वहाँ से जो है वो बिल्कुल ही मैच से आउट हो गई। और आप नज़र देख सकते हैं कि जब शाहीन शाह आफरीदी बाहर जा रहे थे तो उस वक्त भी जो है वो लोग उनको दे रहे थे, क्योंकि उन्होंने 2 ओवर में सिर्फ 13 रन दिए थे और विकटें हासिल की थी एलेक्स हेल की। दोस्तों जब शाहीन शाह आफरीदी इंजर्ड हुए तो पूरी दुनिया के वो जो पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन थे उन्होंने उनके दिल के ऊपर जो बीती है वो मैं नहीं समझता कि किसी और के ऊपर बीती होगी, क्योंकि उस ओवर में ही इफ्तिखार अहमद ने ओवर किया तो उनको एट द एंड पे आपको मालूम होगा कि हिटिंग हुई और पाकिस्तान की टीम वहाँ से मैच जो है उस ओवर में 13 रन पड़े और हार की जानब चला गया मैच। दोस्तों कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय का इजहार जरूर करें कि पाकिस्तान की आउटस्टैंडिंग बॉलिंग परफॉर्मेंस से आप कितने खुश हैं। पाकिस्तान की टीम मैच तो हार चुकी है, फाइनल हार चुकी है, लेकिन पाकिस्तान की जो बॉलिंग थी वो आउटस्टैंडिंग थी। मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई बॉलिंग आज तक किसी टीम की जानब से हुई होगी इतने छोटे टारगेट के ऊपर। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।